वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के प्रयास में जब भाई राजीव दीक्षित जी को 2016 में मैं पहली बार सुना और उनके सभी व्याख्यानों को सुनने के बाद एक बात उनकी और मुझे समझ में आई थी कि किताबें हैं, अध्ययन करें, ज्ञान है, इकट्ठा करें। तो उसी कड़ी में अपने बड़े बुजुर्गों का ज्ञान, आसपास के बड़े बुजुर्ग, हर जगह जहाँ भी बड़े बुजुर्ग मिलते थे उनसे ज्ञान का इकट्ठा करना, परंपराओं की जानकारी लेना और अन्य साहित्य ग्रंथ, चिकित्सा संबंधित, परंपराओं से संबंधित उनको अध्ययन करते हुए पिछले एक साल पहले मेरे हाथ एक किताब लगी जिस किताब का आप नाम देख रहे हैं, सामान्य रोगों की सरल चिकित्सा, जो डॉक्टर गणेश चौहान जी द्वारा लिखी गई है। इस किताब की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस किताब में होम्योपैथ, आयुर्वेदिक जिसे घरेलू उपचार, आयुर्वेदिक उपचार, होम्योपैथी की बायोकेमिक और एलोपैथी की कुछ सरल दवाएं, इनका जिक्र है इसमें है कि कौन सी समस्या में कौन सी दवाई देते हैं, कौन सा घरेलू उपचार ले सकते हैं, कौन सी होम्योपैथ की दवा ले सकते हैं, वो इस किताब में है। अगर आप में से किसी भी भाई बंधु को ये किताब मंगानी हो तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर पे व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं या ऑलरेडी ये ऑनलाइन मिलता है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिस पब्लिशर की है पॉपुलर बुक डिपो, इनका फ़ोन नंबर डाल दूंगा, आप उनसे भी मंगा सकते हैं। ऑनलाइन अमेजन पे देख सकते हैं, ऑनलाइन अदर साइट्स पे आप देख सकते हैं, वहाँ से मंगा सकते हैं। आप मुझसे मंगाना चाहें आप मुझसे भी मंगा सकते हैं। मैं भी ये किताबें जन सेवा तक, जन जन तक पहुँचने के लिए इन किताबों को अपने पास, अपने केंद्र पर रखता हूँ। ये किताबें बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करना ये मेरा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि इतने इस किताबों में छूट नहीं मिलती मार्जिन। तो आप चाहें तो सीधे आप उन्हें पॉपुलर बुक डिपो से मंगा सकते हैं, अमेजन की साइट से मंगा सकते हैं या मेरे वजह से भाई से भी मंगा सकते हैं। मैं इस किताब के कुछ पेज पढ़ के बता देता हूँ। सामान्य रोगों की सरल चिकित्सा, एक ही बीमारी के चार विभिन्न पद्धतियों द्वारा इलाज, डॉक्टर गणेश नारायण चौहान, श्रीमती राजकुमारी गुप्ता, वितरक हैं पॉपुलर बुक डिपो। इसकी विषय सूची काफ़ी अच्छी खासी लंबी है, लगभग 135 से ज़्यादा विषय सूची हैं इसके अंदर, जैसे अजीर्ण, अपच, बदहजमी, अनिद्रा, अधिक प्यास, अनिद्रा, अल्सर, आंखें, आँव, उच्च रक्तचाप, एनीमा, कब्ज, कमजोर पाचन शक्ति, कमर दर्द, कान, कुष्ठ रोग, खसरा, खांसी, खाज, खुजली, गला, गठिया, गैस, घमोरी, घाव, घुटने का दर्द, चक्कर आना, चर्म रोग, छेक छक, चोट लगना, खून बहना, जलने पर जलोदर, जी मिचलना, जुकाम, टॉन्सिल, तपेदिक, दमा, दस्त, दांत, दाद, दिल की धड़कन, नक्सीर, नशा करना, नाक, नासूर, निम्न रक्तचाप, निमोनिया, पथरी, पसीना, पागलपन, पित्त, एसिडिटी, पित्ती, पीलिया, पेट के कीड़े, पेट में दर्द, प्लेग, फोड़े, फुंसी, बवासीर, बल वृद्धि, बहरापन, बालों से संबंधित बेहोशी, भूख न लगना, मंदाग्नि, मधुमेह, मलेरिया, मिर्गी, मुंह में छाले, मुंह में दुर्गंध, मुहासे, मूत्र विकार, मोच, मोटापा, लकवा, लू लगना, बमन, विषैले जीवों के काटना, शरीर सौंदर्य विकार, शरीर में सूजन, सफ़ेद दाग, स्मरण शक्ति की कमी, सामान्य ज्वर, सिर दर्द, सुन, हैजा, हड्डी टूटना, हिचकी, हृदय रोग, गर्भ न ठहरना, बांझपन, गर्भपात, गर्भिणी का भवन, प्रदर, प्रसव पीड़ा, महामारी का रुकना, महामारी ज़्यादा आने पर सूतिका ज्वर, स्तनों में दूध न उतरना, स्तन वृद्धि के रोग, स्तन के रोग, धातु दुर्बलता, नपुंसकता, शीघ्र पतन, शुक्रमेह, सुजाग, प्रमेह, स्वप्न दोष, हस्त मैथुन, आँखें दुखना, खांसी, छाले, ज्वर, दस्त, दांत निकलना, नाभि का पक जाना, पेट में कीड़े, पेट में दर्द, बिस्तर में पेशाब करना, सूखा रोग, जिगर तिल्ली, हकलाना, तुतलाना, चलने या बोलने में देर होना, बच्चों का जिद्दीपन, दांत निकलना, नाभि के रोग, नासिका, पेट में दर्द, बाल, जिगर, बिस्तर पर पेशाब, रोना, बमन, सूखा रोग, दांत निकलना, बच्चों का जिद्दीपन, चलने बोलने में देर होना, शरारत, हलकलाना, तुतलाना, एलोपैथी के में अलग से है खांसी, दांत निकलना, नाभि पकना, पेट में कीड़े, बिस्तर में पेशाब करना, सूखा रोग, हकलाना, ऐसे करके संकलन और पुराने तोल में नए तोल, ऐसे करके 443 पेज की ये पुस्तक, इसकी कीमत जो है 280 रुपये है।
और मैं यही चाहता हूँ कि ये किताब, ऐसी किताबें जो हैं हमारे, जो हमें स्वस्थ रख सकते हैं, हम अपने परिवार को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं, उन वो किताबों का संग्रह हमारे घरों में होना चाहिए। तो इसलिए मैं आज ये छोटा सा वीडियो क्लिप, क्योंकि बहुत सारे भाई बंधु ये जानना चाहते हैं कि मैं किन किताबों को पढ़ता हूँ। मैं राजीव भाई के व्याख्यानों को सुनता हूँ, उनसे उनके व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित हूँ, और उन्हीं के व्याख्यानों के आधार पर चिकित्सीय ज्ञान और ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करना और जानने के कड़ी में बहुत सारे पुस्तकों का अध्ययन करता रहता हूँ। समय समय पर इस तरह की पुस्तकों का विवरण मैं देता रहूँगा। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजीववाद।